नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। गुलमर्ग में एक हिमस्खलन यानी कि अवलांच जो है वो इस समय आया है और बड़ी ही दुखद खबर वहां से सामने आ रही है कि ये जो हिमस्खलन वहां पर हुआ, जो अवलांच इसमें आया, इसमें एक फॉरेन स्कायर जो है उसकी मौत हो चुकी है। 3 स्कायर्स को रेस्क्यू किया गया है जबकि एक अभी भी लापता है यानी कि मिसिंग है और उसके लिए सर्च वहां पर की जा रही है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कि ये स्कायर्स जो थे ये गुलमर्ग में वहां उस समय मौजूद थे और एक बड़ा हिमस्खलन वहां पर आया और इस हिमस्खलन में ये सभी ट्रैप हो गए। हालांकि इन टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया, हेलीकॉप्टर्स वहां पर लगाए गए और कोशिश की गई कि सभी को जो है वो सेफली रेस्क्यू किया जाए, लेकिन दुखद ये रहा कि एक स्कायर जो है उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो पाई है यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाया है, लेकिन एक की जो मौत है वो हो चुकी है और अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है क्योंकि एक फॉरनर स्कायर ऐसा है जो कि अभी लापता है यानी कि मिसिंग है। अवलांच की बात करें तो इस समय कश्मीर घाटी में अगर इस पूरे सीजन की बात करेंगे तो ड्राई स्पेल के बाद सबसे ज़्यादा बर्फबारी इसी स्पेल में हुई है और करीब 5 से 6 या 8 फीट तक की अगर बर्फबारी, अगर आप आउटर ये गुलमर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और फॉरनर्स जो हैं वो बर्फबारी के समय यहाँ पर आते हैं। स्काइंग यहाँ पर होती है, बड़ी तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन रिस्क ये रहता है कि अगर अवलांच आ जाता है, हिमस्खलन अगर हो जाता है, अगर बर्फ नीचे आ जाती है तो जाहिर सी बात है जो लोग वहां पर होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और कई बार इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं जिसमें कि जान से हाथ धोना पड़ता है। तो वही इस बार देखने को मिला है कि गुलमर्ग में ये तमाम स्कायर्स मौजूद थे। जो इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक इनकी संख्या 5 थी, 5 में से 3 रेस्क्यू हो चुके हैं, 3 सुरक्षित हैं, 1 की मौत हो चुकी है और 1 अभी भी लापता है। तो फिलहाल सर्चिस वहां पर की जा रही हैं ताकि जो लापता है उसके बारे में भी जो है उसे वहां से रिकवर किया जाए, रेस्क्यू उसे किया जाए, लेकिन शायद जो आखिरी समाचार आया था उस वक्त तक ये संभव नहीं हो पाया था और लगातार जो हमारे पास विजुअल्स वहां से आए थे कि हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर है यानी कि ढूंढने की उसे कोशिश की जा रही है, लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। हम यही दुआ करेंगे कि जो अभी एक फॉरनर स्कायर जो अभी लापता है वो जल्द वहां से रेस्क्यू हो जाए, वो सही सलामत हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि एक स्कायर की मौत हो चुकी है और बाकी के जो 3 हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है और फिलहाल जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई है तो अभी अंडर द ट्रीटमेंट होंगे। लेकिन एवलांच की अगर आप बात करेंगे तो ये जो सीजन रहता है ये बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें रहता है एवलांच का, क्योंकि बर्फ जो है अगर वो टूटती है तो टूटने के बाद जिस रफ्तार से वो नीचे आती है उससे बचना बहुत मुश्किल होता है और विजिबिलिटी उस समय ज़ीरो हो जाती है और ऐसे में और जो रेस्क्यू टीम होती है उसके लिए भी आसान नहीं होता है, जो लोग उसमें फंसे होते हैं उन्हें लोकेट कर पाना और ना ही जो ट्रैप लोग होते हैं वो अपना वहां से किसी सिग्नल अगर आप कहें तो वो भी नहीं दे पाते हैं ताकि उन तक रेस्क्यू टीम्स पहुंचे। और शायद यहां पर भी यही हुआ कि अचानक से एवलांच आया, ये सभी फॉरनर्स उसमें फंस गए और उसके बाद एक की मौत हो गई। हालांकि इन टाइम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर लॉन्च किया गया लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, दुखद रहा कि एक स्कायर की इसमें मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त का आंकड़ा है, 1 की मौत हो चुकी है, 3 जो है वो रेस्क्यू हैं और 1 अभी भी लापता है और उसके लिए अभी सर्चिस जो है वो वहां पर की जा रही हैं। नमस्कार।